Hello everyone, I am Almaz Beg before you, and in today's class I am going to ask you a question. आज की कक्षा का प्रारंभ हम एक प्रश्न से करेंगे, एक सवाल से करेंगे, और उसके बाद हम अपना आगे का लेसन पढ़ेंगे. तो आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसे आपको देखना है. Here is a beautiful picture before you. You have to identify this picture. कोशिश कीजिए पहचानने की. यस, बिल्कुल सही जवाब, आप सभी ने सही पहचाना. यह तस्वीर है हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब की. तो आज के इस क्लास में हम APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उस ऑटोबायोग्राफी के एक छोटे से भाग का अध्ययन करेंगे. आपके स्क्रीन पर देखिए. That small part is named as one step ahead. ये कक्षा 10 की टेक्स्ट बुक का लेसन 8 है और इसका नाम है one step ahead, एक कदम आगे, जो कि APJ अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है द विंग्स ऑफ फायर, उस पुस्तक से लिया गया है. तो आइए आगे चलते हैं. यहाँ आपके स्क्रीन पर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के फोटोज से लेके और उनके राष्ट्रपति बनने तक की कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं. आप देख सकते हैं कैसे दिखते थे वो, बड़े होकर वो क्या बने, और उसके बाद उनके अंतिम दिनों में वे हमारे देश के राष्ट्रपति बने. यू कैन सी हिज ब्यूटिफुल पिक्चर्स. इन तस्वीरों को देखकर आपको उनके बारे में जो कुछ हमने सुना है वो याद आ रहा होगा. यहाँ आपके स्क्रीन पर है दिल्ली का वह एयरफोर्स ऑफिस जहाँ वे इंटरव्यू देने गए थे. हम अपने लेसन को शुरू करने से पहले, यहाँ मैंने आपके लिए कुछ भारत के नक्शे, कुछ मैप्स ढूंढ के रखे हैं, उनको देखेंगे. ये जो मैप है इसमें आपको बताया गया है रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा. ये भारत का नक्शा है और ये हिमालय का क्षेत्र जहां से गंगा नदी बहती है, और ये जो बेल्ट है जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, यहां से होकर वह इधर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है. और ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही उपजाऊ है, इसे हम कहते हैं फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा. यहां इस चित्र में आपको द रिवर गंगा एंड इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, ये देखिए गंगा नदी का जहां से प्रारंभ हो रहा है हिमालय की तलहटी से, गंगा नदी यहां से बहती हुई, ये जो ब्लू कलर की डार्क लाइन है आपको दिखाई दे रही है, ये यहां आके बंगाल की खाड़ी में मिलती है. और गंगा नदी से निकलने वाली जो जलधाराएं हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, यानी जो छोटी छोटी नदियां हैं जैसे यमुना, ये देखिए आप गोमती, तामसा, बेतवा, चंबल, तो ये जो सारी नदियां हैं, ये सोन नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी, जब हम इस लेसन को आगे पढ़ेंगे तब आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा. तो थ्रू दिस मैप आई जस्ट वांट टू शो यू द रिवर, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा. यहां देखिए इन दिस मैप यू कैन सी द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इस चित्र में आप ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो काल्पनिक लाइन है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसको आप देखेंगे ध्यान से, इसे हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा. यहां आपको इस चित्र में विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस को दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं एरो के थ्रू, विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन्स. ये इंडिया का मैप है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये फोर डायरेक्शंस हैं, और इन फोर डायरेक्शंस के यहाँ बीच में आप देखेंगे कि विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, यानी ये पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर स्थित हैं. एंड इन दिस मैप यू कैन सी द रिवर्स ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो साउथ का, यानी जो दक्षिणी भाग है, उस भाग में जो नदियां हैं, ये देखिए आप सेंट्रल इंडिया में है नर्मदा, ये महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये विभिन्न नदियां जो इस क्षेत्र में हैं, इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है.
एंड नाउ इन दिस मैप ऑफ इंडिया, ये जो भारत का मैप आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आप देखेंगे इंडियन पेनिनसुला, ये देखिए आप, ये ट्रायंगल बना के आपको दिखाया गया है, यानी भारत का दक्षिण का वह भाग जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इंडियन पेनिनसुला। इसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला का मतलब है प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वह स्थान होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं जो पानी से घिरा होता है। तो बच्चों अब हम लेसन शुरू करते हैं। ये मैप बताना आपको इसलिए जरूरी था कि इन सभी बातों पर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया है और उन पर प्रकाश डाला है। लेट्स बिगिन। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट, यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि कंपार्टमेंट के विंडो से, ये देखिए, यू कैन सी, एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो ट्रेन का सफर कर रहे हैं, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, और ट्रेन की यात्रा करते समय उनको विंडो यानी खिड़की, थ्रू द कंपार्टमेंट, जो ट्रेन का रेल का जो डिब्बा है उसमें जो खिड़की है उसके माध्यम से, आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास्ट, उनको कंट्री साइड यानी अपने देश का जो नजारा है वो दिखाई दे रहा है, दृश्य दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस द मैन इन द फील्ड्स इन देयर वाइट धोतीज एंड टर्बन्स एंड द वुमेन फॉक इन, और जो महिलाएं हैं, ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स सीम टू बी इनहैबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आई सेट ग्लूड टू द विंडो। यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि वे ट्रेन की खिड़की में बैठकर देश का नजारा ले रहे हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से, क्योंकि काफी दूर है ट्रेन जो है वो पटरी पे चलती है, द मैन इन द फील्ड्स, मैन जो है यहाँ MEN मैन, जो कि MAN मैन का बहुवचन है, प्लूरल है, यानी कई पुरुष जो है वो फील्ड्स यानी खेतों में वाइट धोती, सफेद रंग की धोती, और टर्बन का मतलब है पगड़ी, टर्बन लगाकर, पगड़ी लगाकर और सफेद धोती पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड द विमेन फॉक, विमेन भी देखिए आप, WOMEN विमेन यानी कई महिलाएं, फॉक यानी कई जो है देहाती महिलाएं, गाँव की महिलाएं, इन ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर, रंग बिरंगे तीखे रंगों के कपड़े पहने हुए अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ द पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स का मतलब है चावल के खेत। तो ये रंग बिरंगे स्प्लैशेस ऑफ कलर्स जो हैं उसमें जो विमेन फॉक्स हैं, जो देहात की महिलाएं हैं, वो ग्रीन बैकग्राउंड, अब पैडी फील्ड्स कैसे होते हैं, जो चावल के खेत होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, हरे होते हैं, तो उनके बैकग्राउंड में, महिलाओं के और पुरुषों के बैकग्राउंड में ग्रीन फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं और उनके रंग बिरंगे कपड़े चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीम्ड टू इनहैबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, तो विंडो में से एपीजे अब्दुल कलाम को ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो रंग बिरंगी पेंटिंग्स हों, चित्रकारियां बनी हुई हों। आई सेट ग्लूड टू द विंडो, और यह देखकर मैं, ग्लू कहते हैं चिपक जाना, तो मैं कौन, एपीजे अब्दुल कलाम, मैं विंडो से चिपका हुआ बिल्कुल बैठा हुआ था, यह सब दृश्य जो है वो मैं देख रहा था। ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी व्हिच हैड अ रिदम एंड ट्रैंक्विलिटी अबाउट इट, मेन ड्राइविंग कैटल, वुमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, ओकेजनली अ चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन। आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह पीपल वर एंगेज्ड, लोग जो थे वो एंगेज्ड थे, बिजी थे, जो थे वो व्यस्त थे, इन सम एक्टिविटी, कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आ रहे थे, विच हैड अ रिदम एंड ट्रैंक्विलिटी, जिनके अंदर एक रिदम थी, एक लय था, और क्या थी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है एक शांति का माहौल था, शांति पूर्वक ढंग से वे सब ये करते हुए नजर आ रहे थे। मैन ड्राइविंग कैटल, जो पुरुष थे वे, कैटल कहते हैं पालतू जानवरों को, जैसे बैल, गाय, बकरी और भी दूसरे पशु जो उन क्षेत्रों में दिखाई दे रहे थे, उनको वो ड्राइव कर रहे थे, उनको चला रहे थे। एंड विमेन, जैसे कि खेत में हल चलाना एंड या बैलगाड़ी चलाना। एंड विमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, और महिलाएं जो थी वो अपनी धुन में मग्न होकर स्ट्रीम्स यानी झीलों से
फेचिंग वाटर यानी पानी को मटकों में या घड़ों में भर रही थी. ओकेजनली यानी कभी कभी. अ चाइल्ड वुड अपीयर, एक बच्चा कभी कभी सामने दिखाई देता. एंड वेव एट द ट्रेन, और जैसे गांव के बच्चे होते हैं सीधे साधे, कोई ट्रेन या गाड़ी वहां से निकलती है तो देख कर अपना हाथ वेव करने लगते हैं, बाय बाय टाटा, इस तरह से वो एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसा काम करते हैं. तो ऐसा दृश्य उनको दिखाई दे रहा था. इट इज एस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेस एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड्स. एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्य में डाल देने वाली बात. हाउ द लैंडस्केप चेंजेस, लैंडस्केप यानी जो रास्ते में जो जगहें दिख रही थी, जो कि पहाड़, पर्वत, नदियां, खेत, ये सब जैसे ही उनकी ट्रेन नॉर्थ की तरफ, देखिए आपको मैंने मैप दिखाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ हमेशा भारत के नक्शे में ऊपर की तरफ आएगा. तो वो दिल्ली इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उनकी ट्रेन जैसे ही साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, उस समय उनको लैंडस्केप यानी जो जो धरती की रचना है वो उनको कैसी लगती है, एस्टोनिशिंग कर देने वाली, आश्चर्य में डाल देने वाली लगती है. द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा एंड इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज हैव इनवाइटेड इन्वेजन्स, टर्मोइल एंड चेंज. अब यहां वे बता रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रेन नॉर्थ की तरफ गई तो रिच यानी धनी, संपन्न यहां पे, एंड फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब है उपजाऊ, प्लेन्स यानी गंगा के मैदान, ऑफ द रिवर गंगा एंड इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, और नर्मदा से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां, यहां जैसे ही वो नॉर्थ की तरफ गए हैव, उन्होंने ये बताया यहां पर भारत के इतिहास में वो चले गए. और अब वो वहां ट्रेन में बैठे बैठे यहां इन पैराग्राफ्स में भारत का इतिहास आपको बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि यहाँ जो जो नॉर्थ का जो उपजाऊ जो जमीन थी, जो सोना उगलने वाली जमीन थी, इसको देखकर ही इनवाइटेड यानी निमंत्रण दिया था इन्वेजन्स को, टर्मोइल्स को एंड चेंज को. यहाँ पर इसका मतलब है आक्रमणकारियों को, यानी जो आक्रमणकारी नॉर्थ से भारत में एंटर हुए और भारत के इन फर्टाइल, इन उपजाऊ जमीनों को उन्होंने जीता. तो यहाँ पर भारत में आकर हलचल मची, कई युद्ध हुए और उसके साथ साथ भारत में परिवर्तन आया. अराउंड 1500 BC, 1500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, फेयर स्किन्ड आर्यंस स्वेप्ट इन थ्रू द माउंटेन पासेस फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट. यहां बताया गया है कि 1500 BC में फेयर स्किन्ड आर्यंस, फेयर स्किन यानी गोरी चमड़ी वाले आर्यंस जो थे, उन्होंने वो आए, कहां आए, थ्रू द माउंटेन पासेस, जो पर्वतों के दर्रे थे उनके थ्रू आए, फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट. और वो कहां थे, वो नॉर्थ वेस्ट में जो पर्वतों के रास्ते थे उनसे भारत आए, और उन दर्रों में भारत पे आकर उन्होंने भारत को स्वेप्ट यानी साफ कर दिया, यानी उस पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर ली. देन 10th सेंचुरी ब्रॉट मुस्लिम्स हु लेटर मिंगल्ड विद द लोकल पीपल एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. फिर 10th सेंचुरी यानी 10वीं सदी में मुस्लिम्स आए और उन्होंने भारत पर आक्रमण किए, हु लेटर मिंगल्ड, और बाद में वे यहीं पर रच बस गए, एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, और बाद में भारत का ही, देश का ही एक हिस्सा बन गए. वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, एक साम्राज्य ने दूसरे साम्राज्य को रास्ता दिया, रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट कंटिन्यूड, और इस प्रकार धार्मिक विजय जो थी वो चलती रही. All this time, the part of India south of the Tropic of Cancer remained largely untouched, safe behind the shields of the Vindhya and Satpura mountain ranges. अब यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है, अभी आपको मैप के थ्रू देखिए, मैंने आपको यहाँ मैप में बताया था कि जो भारत का मैप है, ये देखिए, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है, इसका जो नीचे वाला भाग है ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इंडिया का दक्षिणी भाग, और यहाँ बीच में सतपुड़ा और विंध्या पर्वत हैं. इन पर्वत श्रृंखलाओं के कारण जो यहाँ से, जो नॉर्थ से और जो माउंटेन पासेस से, जो पर्वतों के जो दर्रे थे उनसे जो
इन्वेडर्स भारत आए, वो यहीं आकर आक्रमण करके इन्हीं क्षेत्रों में रच बस गए और भारत का दक्षिणी भाग इन पर्वत श्रृंखलाओं के कारण बचा रहा। कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, आपको अगले मैप में बताया था, विंध्या और सतपुड़ा। ये देखिए विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, जो कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, इनको लांघना इन इन्वेडर्स के लिए पॉसिबल नहीं था, जिस कारण वे यहां से आए, नॉर्थ में ही उन्होंने आक्रमण किए, विजय प्राप्त की और इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रह गए। बहुत कमी आक्रमणकारी इन क्षेत्रों तक पहुंच पाए। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम अपनी ट्रेन की यात्रा जो वो दिल्ली के लिए कर रहे हैं, तो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा भारत के लिए हुआ। अब आपको बताया गया है All this time, south of the Tropic of Cancer, मैंने अभी आपको बताया कि कर्क रेखा के south ने दक्षिण वाले भाग जो थे वो untouched रह गए, अनछुए रह गए, safe behind the shields, सुरक्षित थे। किसकी shield याने बचाव, किसके द्वारा बचाए गए, विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के माध्यम से उन्होंने, यानी इन पर्वतों ने उनके लिए शील्ड का काम किया। The Narmada, Tapti, Mahanadi, Godavari and Krishna rivers had woven a net of almost unassailable protection for the tapering Indian peninsula. अब यहाँ पर आपको बताया गया है इन नदियों के नाम जो मैंने अभी आपको चित्र में बताए थे, कि ये जो नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, इन नदियों ने मानो एक नेट यानी जाल सा बुना हुआ था, और जिसके कारण ये जो इंडियन पेनिनसुला, मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से बताया था कि ये जो क्षेत्र हैं ये इंडियन पेनिनसुला के क्षेत्र हैं, ये जो समुद्र से तीनों ओर से घिरे हुए हैं, ये आप देखिए ये नीचे का हिस्सा और ये वाला भाग है ना, तो ये इंडियन पेनिनसुला वाले जो भाग है इनमें ये नदियां जो हैं ये बहती हैं। कौन कौन सी नदियों के नाम आए हैं ये देखिए, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हैड वूवन अ नेट ऑफ ऑलमोस्ट अनअसिलेबल प्रोटेक्शन। इनके इन नदियों के कारण ये जो क्षेत्र था ये प्रोटेक्टेड था, ये बचा हुआ था फॉर द टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला। आगे देखते हैं, To bring me to Delhi, my train had crossed all these geographical impediments through the power of scientific advancement. मैं दिल्ली आ रहा था, दिल्ली तक पहुंचने के लिए my train had crossed, मेरी जो ट्रेन थी उसने इन सभी geographical impediments को cross किया, यानी इन भौगोलिक क्षेत्रों से गुजरी मेरी ट्रेन, through the power of scientific advancement। और यह सब कैसे संभव हुआ, साइंटिफिक एडवांसमेंट के कारण, विज्ञान जो इतनी उन्नति कर रहा है उसके कारण ये सब संभव हो पाया। आई हेल्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली, मैं एक सप्ताह के लिए दिल्ली में, हाल्ट का मतलब होता है रुकना, मैं एक सप्ताह के लिए दिल्ली में रुका। अ सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एट DTDNP एयर। एक सप्ताह दिल्ली में रुका, और दिल्ली का इंट्रोडक्शन यहां दिया है कि दिल्ली क्या है, दिल्ली इज द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट, एक सूफी संत के नाम से दिल्ली मशहूर है जिनका नाम है हजरत निजामुद्दीन, एंड अपीयर्ड, और वहां रुकने के बाद मैं शामिल हुआ फॉर द इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में, एट DTDNP एयर। इसका फुल फॉर्म ये देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म है DTDNP, शॉर्ट फॉर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं एब्रीविएशंस, बड़ी स्पेलिंग्स बोलने और लिखने में समय ज्यादा लगता है, तो उनके लिए हम जो उनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनसे उनका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं जिसे हम एब्रीविएशंस कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर। तो एपीजे अब्दुल कलाम डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर में एक इंटरव्यू में शामिल हुए। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, और यहां वो बता रहे हैं आई कौन है, हु इज आई इन दिस स्टैंजा, आई इज मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आई यहां पर वे अपने स्वयं के बारे में बता रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो लेसन है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी स्वरचित जीवनी में से लिया गया है, तो वे अपने बारे में बता रहे हैं कि उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने अच्छी तरह जवाब दिए। The questions were of a routine nature, जो प्रश्न थे वो रूटीन नेचर के थे, जैसे सामान्यतः पूछे जाते हैं, and did not challenge my knowledge of the subject, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो कि मेरे लिए चैलेंज हो,
और मेरे सब्जेक्ट से बाहर का हो. देन आई प्रोसीडेड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड. और फिर मैं वहां से देहरादून की तरफ प्रोसीड यानी आगे बढ़ गया, चला गया, जहां मुझे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में एक और इंटरव्यू, एक और साक्षात्कार देना था. आगे चलते हैं. एट द सिलेक्शन बोर्ड द एम्फेसिस वॉज मोर ऑन पर्सनैलिटी देन ऑन इंटेलिजेंस. यहां इस देहरादून में जो सिलेक्शन बोर्ड था, यहां पर ज्यादा एम्फेसिस यानी ज्यादा जोर किस बात पर दिया गया? पर्सनैलिटी के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर दिया गया, देन ऑन इंटेलिजेंस, ना कि बुद्धिमत्ता पर. परहैप्स दे वेयर लुकिंग फॉर अ फिजिकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर. जबकि वो फिजिकल फिटनेस देख रहे थे और आर्टिकुलेट मैनर देख रहे थे कि उस व्यक्ति का जो ज्ञान है वो कितना है. नाउ आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस. इंटरव्यू के समय मैं एक्साइटेड था यानी उत्सुक था, बट नर्वस भी था. डिटरमाइंड बट एंग्शियस. डिटरमाइंड किसको कहते हैं? जिस चीज के लिए हम दृढ़ संकल्प कर लें. और एंग्शियस यानी कुछ जानने के लिए बेचैन. कॉन्फिडेंट, मैं मुझ में विश्वास भी था, बट टेंस, लेकिन मैं थोड़ा सा टेंशन में भी था यानी चिंता में भी था. आई कुड ओनली फिनिश 9th इन द बैच ऑफ 25 एग्जामिनड टू सिलेक्ट 8 ऑफिसर्स फॉर कमिश्निंग इन द एयरफोर्स. अब यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि आई कुड ओनली फिनिश 9th इन द बैच. जो बैच था जिनमें 25 लोगों का इंटरव्यू होना था, उसमें उनका 9th जो था नवा नंबर आया. जबकि सिलेक्शन कितने लोगों का होना था? 8 ऑफिसर्स का होना था, 8 अधिकारियों का सिलेक्शन होना था, जो कि कमिश्निंग इन द एयरफोर्स, जो एयरफोर्स में कमिश्निंग का काम करते. आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड. अब बता रहे हैं कि मैं, क्योंकि वो 9वें नंबर पे आए और 8 व्यक्तियों का चयन होना था, यह देखकर वो डिसअपॉइंट हो गए, वो निराश हो गए. इट टुक मी सम टाइम टू कॉम्प्रीहेंड दैट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द एयरफोर्स हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माय फिंगर्स. उनको समय लगा यह समझने में कि यह जो अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, ये जो अवसर था एयरफोर्स में नौकरी लगने का, उसमें अच्छी जॉब करने का, यह उनके हाथ से स्लिप हो गया, निकल गया थ्रू माई फिंगर्स. फिंगर्स का मतलब यहाँ उनके हाथ से है. आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड एंड स्टूड एट द एज ऑफ ए क्लिफ. मैंने किसी तरह अपने आप को, ड्रैग का मतलब है घसीटना, खींचना, यानी मैं इतना डिप्रेस था, इतना डिसअपॉइंटेड था, इतना निराश था कि बड़ी मुश्किल से मैं सिलेक्शन बोर्ड से अपने आप को बाहर निकाल पाया और जाकर एक एज यानी एक छोर पर, क्लिफ यानी पहाड़ का, पर्वत के एक छोर पर जाकर मैं खड़ा हो गया, एक सिरे पे जाके खड़ा हो गया. There was a lake far below. और वहां पर एक लेक था जहां मैं खड़ा था, उस पर्वत की चोटी के नीचे एक तालाब था. फिर क्या होता है? I knew that the days ahead would be difficult. मैं जानता था कि जो दिन, जो समय अब आने वाला है, वो मेरे लिए difficult होगा, कठिन होगा. There were questions to be answered and a plan of action to be prepared. कई प्रश्न, questions यानी कई प्रश्न थे जिनके मुझे answers यानी उत्तर ढूंढना थे, and a plan of action to be prepared. और action plan मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना है, इसकी योजनाएं भी मुझे prepare करना थी, बनाना थी, तैयार करना थी. I tracked down to Rishikesh. और फिर वहां से मैं ऋषिकेश की ओर ट्रैक यानी रवाना हो गया, चल दिया. I bathed in the Ganga and revealed in the purity of its water. Then I walked to the Shivananda Ashram situated a little way up the hill. मैं जब ऋषिकेश पहुंचा तो मैं वहां पर नहाया. I bathed in the Ganga. मैं गंगा नदी में नहाया. And revelled in the purity of its water. और इसकी प्योरिटी यानी शुद्धता, इसकी, इस गंगा नदी के पानी की शुद्धता को मैंने महसूस किया. देन आई वॉक्ड टू द शिवानंद आश्रम. फिर मैं वहां से स्नान करने के बाद स्वामी शिवानंद के आश्रम की ओर, सिचुएटेड अ लिटिल वे अप द हिल, जो कि एक हिल यानी पहाड़ी पर सिचुएटेड यानी स्थित था, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित था, उसकी ओर मैं चल दिया. आई कुड फील इंटेंस वाइब्रेशंस व्हेन आई एंटर्ड. और मैं वहां जब पहुंचा तो मैं वहां पर तीव्र, इंटेंस वाइब्रेशन मतलब तीव्र कंपन, वहां मैं उस तीव्र कंपन को महसूस कर सकता था जब मैं वहां एंटर हुआ, अंदर की ओर गया.
यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज स्वामी शिवानंदाज आश्रम. ये स्वामी शिवानंद का आश्रम है जो कि गंगा नदी के किनारे है और ये पर्वत के ऊपर बसा हुआ है. यहाँ ये आप देख सकते हैं, दिस इज स्वामी शिवानंदाज पिक्चर एंड दीज आर हिज वुडन स्लीपर्स. ये उनकी लकड़ी की चप्पल हैं जिन्हें हम खड़ाव कहते हैं. अब बच्चों, अब हम इस लेसन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे. देयर इज क्वेश्चन वन बिफोर यू, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली? डॉक्टर कलाम दिल्ली क्यों गए? डॉक्टर कलाम वेंट टू दिल्ली फॉर द इंटरव्यू एट डीटीडी एंड पी एयर. डॉक्टर कलाम इंटरव्यू डीटीडी एंड पी एयर में भाग लेने के लिए गए. नाउ डॉक्टर कलाम वेंट टू देहरादून, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू देहरादून? दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम देहरादून क्यों गए? डॉक्टर कलाम वेंट टू देहरादून फॉर एन इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड. डॉक्टर कलाम देहरादून एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू देने के लिए गए. What did Dr. Kalam want to become in Air Force? Most important question. Dr. Kalam Air Force में क्या बनना चाहते थे? Dr. Kalam wanted to become commissioning officer in the Air Force. Dr. Kalam Air Force में commissioning officer बनना चाहते थे. अगला प्रश्न है, What did Dr. Kalam feel when he was going to face the interview? जब वे interview यानी साक्षात्कार के लिए जा रहे थे तो उन्होंने क्या महसूस किया? While going for the interview, Dr. Kalam was excited but nervous. Determined but anxious, confident but tense. तो बच्चों, आज की क्लास में हम ये चार प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिखकर अपने शिक्षकों से चेक करवाएंगे. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज कंसल्ट टू योर स्कूल एक्सपर्ट्स. आज की क्लास में मैं यहीं विराम लेती हूँ. अगली क्लास में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे. जब तक के लिए गुड बाय.